अरे इधर बुलवाओ ना, नारेबाजी करो कुछ। बैठे बैठे नींद लग जाएगा। नाम बताओ अपना। नाम बताइए। सर मैं गुजरात से चंद्रिका सोलंकी। गुजरात से यहाँ जंतर मंतर जो आप काफ़ी काफिला लेकर के आई हैं, इसका मेन डिमांड क्या है? सर बात ये है कि ये जो महिलाएं हैं वो गुजरात की आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर बहन हैं, जो गुजरात राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रही है। हमारा मुद्दा ये है, हमारी मांग ये है कि ये महिलाएँ हजारों प्रकार की मतलब कई काम के लिए करती जा रही हैं, तो इन लोगों को संविधानिक जो राइट है उनको खत्म हो दिया जाए। हमारे गुजरात में ना इंसेंटिव दिया जाता है, तो अभी 30 अगस्त को हम गुजरात सरकार के साथ गठन की रचना की थी। वहाँ पर जब सरकार से बातचीत की, तो बातचीत के दौरान सरकार ने हमें ये बताया कि ये जो हमारी मांग है, सबसे पहली मांग कि क्लास 4 के अंदर उनको लिया जाए, सरकारी कर्मचारी को शुरू किया जाए। हमारी दूसरी मांग थी कि इंसेंटिव सिस्टम जो है उसको बंद किया जाए और संविधानिक राइट सिस्टम बंद किया जाए। तब हमें गुजरात सरकार ने ये बताया कि ये सब जो है ना वो केंद्र सरकार के हस्तक है, ये केंद्र सरकार कर सकती है। गुजरात सरकार ने चाहे मैं तो कर सकूँ, लेकिन उन्होंने तो हमें साफ सब लफ्ज़ों में ये बता दिया कि ये हम नहीं कर सकते, ये केंद्र सरकार कर सकती है। तो सर गुजरात सरकार के सामने तो हम सालों से लड़ रहे हैं, 5-5 साल 6-7 साल से, अब जाके उन्होंने हमें ये बात बताई कि ये हमारे हाथ में नहीं, ये केंद्र सरकार के हाथ में। तो फिर सर हम आज इसीलिए केंद्र सरकार में, हमारी मोदी सरकार के में हम गुहार लगाने के लिए आए हैं कि गुजरात सरकार कुछ नहीं कर रही है, मोदी सरकार से हमें न्याय की उम्मीद है। मोदी सरकार सभी महिलाओं को शोषण से मुक्त करे एवं संविधान का अधिकार न्यूनतम वेतन के लिए। इसके लिए महिला शक्ति सेना बनाने की क्या जरूरत पड़ी? महिला शक्ति सेना इसलिए बनाया कि ये जो सारी महिलाएं हैं, मैं सर एक टीचर थी, मेरे गांव में आशा वर्कर आशा फैसिलिटेटर आती थी, तब मैंने बातचीत के दौरान पता चला कि ये मतलब जो महिलाएं हैं इनका संवैधानिक राइट है, इस राइट से इनको वंचित रखा गया है। इसलिए सभी महिलाओं को मैंने एक एक करके मैंने जागृत किया और जागृत करके अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, अपने जिले में लड़ना सिखाया, फिर जाके राज्य में भी सिखाया। और आज इन महिलाएं इतनी हद तक जागरूक हो चुकी है कि आज केंद्र सरकार में दिल्ली में भी लड़ने के लिए ये आई। इसमें केवल आंगनवाड़ी है या आशा वर्कर सारे जो सर्विस कर रहे हैं सभी इंक्लूड हैं? अभी हम सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल आशा वर्कर एवं आशा फैसिलिटेटर बहने हमसे जुड़ी हुई है। आने वाले समय में गुजरात नहीं, सिर्फ सारे पूरे देश की, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, सारे देश की जो महिलाएं हैं, चाहे वो आशा वर्कर हो, आशा फैसिलिटेटर हो, आंगनवाड़ी हो, कोई भी महिला हो, किसी का भी शोषण हो रहा है, वो जो संविधानिक अधिकार है मिलना चाहिए। और आगे जाके हम देशव्यापी केंद्र सरकार के सामने पूरे देश की महिला इकट्ठा होकर हम हमारा हक ये करें। कहीं ये तब्दील तो नहीं होगा लाल सलाम में? देखिए ये जो भारत देश है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बना है, उस संविधान के आधार पर ये देश चलता है। तो यहाँ पर जो चलेगा, जय भीम चलेगा, जय भगत सिंह चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद चलेगा। हम सारी महिलाएं इंकलाब जिंदाबाद करके हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महिलाओं को संविधानिक अधिकार दिया है वो अधिकार लेने के लिए हम आगे लड़ते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो ट्रेड यूनियन है ये शामिल है? नहीं सर, हमारे साथ यूनियन जुड़े हुए नहीं, हम महिलाओं ने खुद
सब महिलाओं को तहसील में, जिले में, उनके गांव तक, उनको घर तक जाकर भी जाकर के सब महिलाओं को मैंने जागरूक किया है। ये हमारा इंडिविजुअल हमने सब ने मिलकर बनाया हुआ संगठन है, वो भी नॉन रजिस्टर है, सिर्फ हमने नाम दिया है महिला शक्ति सेना। इसके एक नाम के आधार पर हम सब आगे लड़ेंगे। न्यूनतम वेतन कितना डिमांड है आपका मानदेय? जो मानदेय संविधान जो राइट है, एक मजदूर को जो मजदूरी मिलनी चाहिए जो संविधान के अंदर लिखा है, वो हमें चाहिए। हमें कोई ताजमहल नहीं चाहिए। जो न्यूनतम वेतन संविधान के हिसाब से महंगाई के अनुसार सातवें पगार पंच के आधार पर जो बनता है, जो इनका राइट बनता है, वो राइट मिलना चाहिए। ये आगे की रणनीति क्या होगी अगर यहाँ से डिमांड पूरा न हो तो? देखिए सर, सबसे पहले तो मोदी हमारे गुजरात से हैं, गृह नगरी से हमारे मोदी आते हैं, वहीं से इनकी ही ये पहले सब आई है। पूरा देश का हक है मोदी पर, मोदी सब सारे देश के नेता हैं, लेकिन फिर भी हमें ये उम्मीद है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार हमारी सुने। और हमें लगता है कि गुजरात सरकार तो हमारा शोषण कर रही है, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग कोई है? डिसीजन लेने की क्षमता किसी में है? शोषण से मुक्त करके अधिकार देने की यदि इसमें क्षमता है तो माननीय मोदी सरकार में है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें न्याय देंगे। यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम सारी महिलाएं मिलकर हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे की रणनीति हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जाहिर करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। ज्ञापन किसको दे सकते हैं? आज तो हम यहाँ पर आए हैं, हमारी उम्मीद है कि ज्ञापन आज पीएमओ ऑफिस में ही हमारा जाए। पीएमओ ऑफिस के अंदर ही हमारी जो बातें हैं, हमारी समस्याएं, हमारे सवाल हैं, वो सवाल हम वहीं पर रखें, हमारे साथ चर्चा करें। और हमें लगे, हमें यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं, हम इतनी हजारों किलोमीटर दूर ये महिलाएं आई हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे गुजरात के जो मोदी साहब हैं, उनकी ही बहनों को उन्होंने अच्छे से सुना है और एक आश्वासन भी दिया है। तो ये अभी तो उम्मीद लगा के हम बैठे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू जी, नाम बता दिए फिर। चंद्रिका सोलंकी, महिला शक्ति सेना।